सभी फ्यूचर मेडिकोज को वेद प्रकाश बेनीवाल की तरफ से प्रणाम। आज मैं यहाँ पे हूँ जियांगलिंग कैंपस नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये इस यूनिवर्सिटी के कैंपस का साउथ गेट है, जिसके पास में मेट्रो स्टेशन है, जिसका वीडियो मैं आपको उसके बाद दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको अभी कैंपस टूर कराता हूँ। यहाँ पे राइट साइड में जो टॉप में आप देख रहे हैं आपको बड़ा सा बिल्डिंग, ये यहाँ का एफिलेटेड हॉस्पिटल है नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी का, लेकिन अभी इसको फुली ऑपरेशनल नहीं किया गया है। इसमें शायद अगले 6 महीने में या 1 साल में ये लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए पास में ही आपको छोटा सा लेक दिखाई दे रहा है, जो इस यूनिवर्सिटी की सुंदरता को बढ़ाता है, इस कैंपस की सुंदरता को। ये सामने जो आपको कैंपस दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग यहाँ की फाइनेंस बिल्डिंग है। लेफ्ट में जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ की सब टीचिंग बिल्डिंग है। सामने दोनों साइड भी टीचिंग बिल्डिंग है। ये वाला बिल्डिंग जो है, ये यहाँ पे रिसर्च सेंटर, और इसमें भी टीचिंग का कराई जाती है। ये सामने जो बिल्डिंग से, ये चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए डॉर्मेट्री है, यानी कि हॉस्टल्स। ये कैंटीन है और इसी में छोटा सा ग्रोसरी शॉप भी है। ये कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं। ये सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को खेलने के लिए क्रिकेट का ग्राउंड यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है। ये जो पहला बिल्डिंग है, ये गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स डॉर्मेट्री। ये जो पीछे का बिल्डिंग है, ये बॉयज़ का डॉर्मेट्री है। ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी की गाड़ी। अब हम वापस चलते हैं बाकी के कैंपस का टूर करने के लिए। राइट साइड में जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं आप, 3 बिल्डिंग, ये भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डॉर्मेट्री की ही बिल्डिंग्स हैं। ये हम वापस उसी रोड से कैंटीन पे आ गए। ये रिसर्च बिल्डिंग, जिसका मैं पहले वीडियो पूरा नहीं ले पाया था, अभी सही से पूरा हम देख पा रहे हैं। ये भी चाइनीज स्टूडेंट्स की डॉर्मेट्री है। ये बिल्डिंग में बैंक ऑफ चाइना का एटीएम है। स्टूडेंट्स को पैसे विड्रॉल के लिए बाहर जाने का नीड नहीं पड़ेगा, यहीं से स्टूडेंट्स अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ये भी चाइनीज स्टूडेंट्स की डॉर्मेट्रीज हैं। इंटरनेशनल डॉर्मेट्री जो मैंने आपको क्रिकेट ग्राउंड के पास दिखाई थी, सिर्फ वही है जियांगलिंग कैंपस में। ये सब हेलो बाइक्स हैं जो नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कैंपस के अंदर रखा है। इस बाइक को बाहर लेके जाना मना है। मैं भी फिलहाल अभी इसी साइकिल पे ही हूँ। लेफ्ट में आप लॉन्ग टेनिस का ग्राउंड देख पा रहे हैं। ऐसे ही कम से कम यहाँ 15 से 20 ग्राउंड्स होंगे। ये देखिए, ये भी लॉन्ग टेनिस का ग्राउंड है, ये भी लॉन्ग टेनिस का ग्राउंड है। ये सभी चाइनीज डॉर्मेट्रीज हैं। ये बास्केटबॉल के कोर्ट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का स्टेडियम। एंट्रेंस ये है, लेकिन मैं इसको बाहर से कवर करना चाहूँगा ताकि पूरा स्टेडियम बहुत अच्छे से आए। इन केस नहीं आ पाया तो मैं अंदर से आपको उसका वीडियो अलग से दिखाऊंगा।
ये मैं आपको बाहर के गेट से दिखा देता हूँ पूरा स्टेडियम। नी हाओ, ये डॉर्मेट्री। और दोस्तों ये जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है ये नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी का साउथ गेट, सॉरी नॉर्थ गेट है। ये साउथ गेट में आपको पहले दिखा दिया था, इधर भी हाईवे टच होता है। अब हम वापस चलते हैं और आधा ही हिस्सा अभी तक कवर हो पाया है। ये भी टीचिंग बिल्डिंग्स है जिसमें लोकल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों ही क्लासेस लगती हैं। ये भी टीचिंग बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी का। इधर एडमिन ब्लॉक भी है। ये सामने जो आप देख रहे हैं मेट्रो ट्रेन की पटरी, मेट्रो ट्रेन जाती है यहाँ से। प्लेसेस यहाँ पे मैंने वापस से स्टार्ट किया है, कुछ कवर करना रह गया था जिसके लिए मैं अभी लेफ्ट साइड से साइकिल को लूँगा। इलेक्ट्रिक बाइक्स जो आप देख रहे हैं ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए बैन है यहाँ पर, उनको सिर्फ साइकिल अलाउ किया जाता है। ये जो सामने आप लाल कलर का देख पा रहे हैं इनको ये लोग फाइव हार्ट्स बोलते हैं। मैं अपना ये वीडियो इन फाइव हार्ट्स के पास आकर कंप्लीट करूँगा, फिर हम अपने अगले वीडियो में आपको पूरा इंट्रोडक्शन देंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। ये फाइव हार्ट्स हैं।